आइए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तकनीक महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक पहली बार मैंने देखा इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, एक नए तरह का ऑब्सेशन, उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। और इसमें उसको तकलीफ यह है कि उसको ऐसा बार 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 लगता है कि कोई मुझे टच कर रहा है। उसको बार बार विचार भी आता है कि मैं किसको टच कर रहा हूँ या कोई मेरे को टच कर रहा है। और फिर उसका उधर ही ख्याल रहेगा कि उसने मुझे यहाँ टच किया क्या, यहाँ टच किया गया या मेरे को कहीं टच किया क्या बॉडी को। और उसको बार 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 हो जाता है कि उसने मेरे को टच किया या मैंने उसको टच किया। और टच किया तो बहुत बुरा लगता है उसको, उसको कोई उस वजह से गलत फीलिंग हो जाते हैं या उसको दर्द होना शुरू हो जाता है उस जगह पे। और फिर बार 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 वही विचार आएगा, फिर वो विचार निकालने के लिए वो हाथ झटकेगा, ऐसा कुछ तो भी करेगा, पैर झटकेगा, या विचार वो निकालने के लिए फिर और कुछ तो भी एक्टिविटी करेगा और वो विचार निकाल डालेगा। तो एक टच का विचार, बार 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 कोई अपने को टच कर रहा है या कोई अपने को या अपन किसको टच कर रहे हैं, ऐसा उसको बार 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 टचिंग का ऑब्सेशन है। और टचिंग का वो निकालने के लिए फिर उसको कंपल्शन होता है। तो उसके जुबान ही आप सुनेंगे इसका क्या क्या बीमारी है और क्या हो रहा है, उसको सुनिए जरा आप। हो रहा है वो थोड़ा अलग ही मैटर सामने आ रहा है कि 6 महीने से ऐसा हो रहा है, कुछ भी ऐसा नज़र से जो कुछ चीज़ हिलती दिखती है तो ऐसा होता है, ऐसा क्यों हो रहा है करके। और कोई ऐसा शर्ट भी किसी का उड़ता है सामने वाला का, मतलब तो मुझे एक्चुअली वो पूरा हार्ट तक या ब्रेन से मतलब माइंड से जो भी है तो ऐसा कुछ लगता है शॉक के कुछ होगा अभी ऐसा। तो ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ टच भी किया, किसी का टचिंग भी ऐसा साइड से होके गया तो उधर पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है कि निकलता ही नहीं उधर से, कितना भी ट्राई करो उधर पेनिंग होने लगता है वो एरिया पे। और ऐसा एक्चुअली 20 साल पहले मेरे को 1-2 महीना हुआ था, 20 साल पहले अचानक से हुआ था, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मेरे को ध्यान में भी नहीं, लेकिन आप भी ध्यान में आ गए, पहले भी ऐसा थोड़ा हुआ था 18-20 साल पहले, जबकि आज से फिर 6 महीना हुआ है। अभी जो है वो टच हो गया, टच हुआ तो क्या लगता है? लगता यही है कि उधर पूरा माइंड कॉन्सेंट ऐसा, वो टचिंग ही थोड़ा सा ऐसा मतलब तकलीफदायक लगता है कि उधर एरिया पेनिंग करने लगता है, पूरा माइंड उधर जाता है कि हटता नहीं किधर, उधर से समझ में ये आता है कि पूरा गलत है, ये झूठ है, ये क्या लग रहा है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ये क्या मेरे पीछे लगा, ऐसा कुछ लगता है। लेकिन वो फिर भी उधर से बार बार कभी बैठता, अभी उठना है तो लगता है कि अभी चलो मेरा कपड़ा मेरे को टच कंटिन्यूस करते रहेंगे और वो माइंड पूरा उधर ही कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है, मतलब और कुछ बस यही हो रहा है, बस वो इसी फिर मेरे पूरा मस्तिष्क मतलब पीछे तक वो थोड़ा सा ऐसा पेनिंग तक लगता है और हार्ट पूरा ऐसा लॉक जैसा होगा क्या भी फूटेगा करके। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और इसका इलाज है, बार 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 जो विचार आते हैं वो विचारों को रोकना नहीं, विचारों को निकालने की कोशिश नहीं करना, विचारों का स्वीकार करना, उसको रेजिस्ट नहीं करना। ये हम लोगों को सिखाते हैं कि भाई उसको रेजिस्ट मत करो, विचार आ रहे हैं उसको आने दो, क्योंकि आप जितना रेजिस्ट करेंगे विचारों को कि वो नहीं आना चाहिए, उतना ज़्यादा ज़्यादा विचार आते रहते हैं। तो रेजिस्ट नहीं करना, उसका स्वीकार करना, उसको जस्ट साइड में रख सकते हैं तो साइड में रखो और अपने काम के ऊपर फोकस करो, ये हम सिखाते हैं। दूसरा हम सिखाते ये है कि विचारों को ऑब्जर्व करो, शांति से बैठो और विचारों को ऑब्जर्व करो। और जब आप विचारों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो विचार शांत हो जाते धीरे, उसकी स्पीड जो है आने की जो कम हो जाती है। और तीसरा हम उसको सम्मोहन अवस्था में, हिप्नोथेरेपी में ये सिखाते हैं कि भाई बार बार विचार आने के बावजूद भी आप उसके ऊपर एक्शन नहीं कर रहे हैं, आप शांत है, रिलैक्स है, विचार आ रहे हैं और आप एक्शन नहीं कर रहे, ऐसा अपने आप को देखो। फिर अपने आप को ये भी देखो कि आप अच्छे हुए हैं और अच्छे हो के आपको बहुत शांत लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, सब काम धंधा कर रहे हैं, ऐसा अपने आप को विजुअलाइज करो, तो वो उसको सिखाते हैं। और दवाई आपको तो पता ही है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि SSRI जो दवाई है तो वो हम देते रहते कि वो एंटी ऑब्सेशन ड्रग है, जो डिप्रेशन में भी काम में आते हैं वो हम देते हैं दवाइयाँ, उससे भी लोगों को बहुत आराम पड़ता है। तो ये वीडियो लोगों को शेयर करो, काफ़ी लोगों को ऑब्सेशन है, उनको बहुत ये काम में आएगा, उनकी बीमारी अच्छी करने के लिए काम में आएगा। ये जो है हिप्नोथेरेपी, ये इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, लोगों को बहुत ही आराम पड़ता है। और मेरे जो वीडियोज़ है हिप्नोथेरेपी के, वो लोग सुन के भी लोग अपने अपने घर में अच्छे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।